नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। आग तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ही सही, पर कहीं भी हो जलनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, आप सभी के इंतजार की जो घड़ियां हैं ना, वो अब समाप्त हो चुकी है। और इस टाइम प्यारे बच्चों, आप जो एक सपना आपने संजोया था कि मेरे को हर हाल में वर्दी लेनी है और हर हाल में मेरे को ना औरों को करके दिखाना है, तो आज वो दिन आ गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने ना कोविड के टाइम में पढ़ाई की थी और जो कह रहे थे ना एग्जाम नहीं होगा, वो ऑलरेडी दौड़ से नेगेटिव लोग तो बाहर हो चुके हैं, और केवल उन्हीं बच्चों का अब सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों, जिसने ना मतलब हमेशा पॉजिटिव सोच रखी थी कि एग्जाम होंगे। मैंने अक्सर बच्चों को कहा करता था कि ये मैटर नहीं करता एग्जाम कब होंगे, मैटर ये करता है कि जिस दिन एग्जाम होगा और रिजल्ट आएगा, उस दिन मेरे मम्मी पापा के आंखों में खुशी के आंसू आएंगे या नहीं आएंगे। अब लड़कियों को भी खुद को साबित करने का ना उनके पास भी क्या है प्यारे बच्चों, मौका है कि वो भी खुद को क्या कर सकती है, साबित कर सकती है। क्योंकि जो फीमेल है ना, एसआई की भी भर्ती है। आज सारे के सारे में बताएंगे प्यारे बच्चों क्या है, जो हरियाणा पुलिस का जो मेल कांस्टेबल का एग्जाम है ना, वो 7 और 8 अगस्त को किसका होगा, मेल कांस्टेबल का एग्जाम होगा। प्यारे बच्चों, आज है ना, ठीक है, 6 जुलाई है, तो 7 अगस्त ठीक 1 महीने बाद है ना आपका हरियाणा पुलिस का क्या होगा, एग्जाम होगा। प्यारे बच्चों, 4 शिफ्टों में ये एग्जाम रहने वाला है। कितनी शिफ्ट रहेगी, 4 शिफ्ट में एग्जाम रहेगा, सिर्फ 1 महीना है। अब आप 30 दिन को 60 दिन कैसे बनाते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा। और कैसे तैयारी करनी है प्यारे बच्चों, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। अब फीमेल कांस्टेबल है प्यारे बच्चों, इसको ना पूरा 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है, तो 4 सितंबर को ना फीमेल कांस्टेबल का क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो लड़कों का पेपर होगा ना, उससे वो सीख ले सकती है कि क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, को थोड़ा सा ना उनके लिए एक बेनिफिट रहेगा। और जो मेल एसआई है ना प्यारे बच्चों, जो बच्चों ने एसआई का सपना संजोया था ना, वो 5 सितंबर को क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। और वो 5 सितंबर को ना मॉर्निंग में एग्जाम होगा। और जो फीमेल एसआई है, सब इंस्पेक्टर, इनका 5 सितंबर को एग्जाम होगा। तो जो लड़कियों के लिए ना प्यारे बच्चों, 2 दिन में 2 एग्जाम होंगे, एक तो 4 सितंबर को होगा और एक आपका 5 सितंबर का होगा। लगातार 2 दिन एग्जाम होगा, टाइम तो मिल गया आपको 2 महीने का, लेकिन लगातार 2 महीने आपका 2 दिन एग्जाम होगा। और प्यारे बच्चों, जो ग्राम सचिव का जो आपने सपना देखा था ना, कि जो ग्राम सचिव का मैंने आपको पहले भी बताया, ग्राम सचिव का, कनाल पटवारी का और पटवारी का, तीनों का एग्जाम एक साथ होगा। कब होगा गुरुजी, 11 और 12 दिसंबर को होगा। और प्यारे बच्चों, एक एग्जाम जो पीजीटी संस्कृत की भर्ती है ना, तो उसका 14 नवंबर को क्या होगा, 14-11 को एग्जाम होगा जो पीजीटी संस्कृत की भर्ती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ना जो आपका फिजिकल PST और PMT है ना, वो भी प्यारे बच्चों डेट आ चुकी है कि जो हरियाणा पुलिस का है वो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है ना, जो आपकी रनिंग वगैरह है, जो आपका चेस्ट मेजरमेंट है, वो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगा। और महिलाओं का ना जो फीमेल कांस्टेबल है, 7 अक्टूबर से 8 नवंबर तक रहेगा, 7 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक रहेगा। चलो वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन आपको अभी बात ये करनी है कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं अभी बिल्कुल भी नहीं कहूंगा जो आज पढ़ना शुरू करेंगे वो सिलेक्शन ले पाएंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। हां, इतना जरूर कहूंगा, जिसने पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रखी है ना प्यारे बच्चों, उसी बच्चे का क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। और प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस की और एसआई की हमने एक बुक निकाली है, वो बुक है ना, आप हरियाणा के हर बुक स्टोर पर उपलब्ध है, वो बुक आप ले सकते हो प्यारे बच्चों। उस बुक से ना आपको एक क्विक रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा, 1 महीने में ना आप उस बुक को पढ़ लोगे। और प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस का जो 10,000+ वाली बुक है ना, 10,000+ वाली बुक है ना, उसका ना प्यारे बच्चों पूरी टीम के द्वारा ना 149 रुपए में ना क्या करवा दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा दुरीना पे। ये बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर इस पूरी बुक को आप पढ़ा दो, तो 149 रुपए का कोर्स रहेगा प्यारे बच्चों, जो मंडे से आपका शुरू हो जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 10,000 वाली बुक पूरी की पूरी आपको सॉल्यूशन करवा दी जाएगी, सभी टीचर्स मिलकर इस बुक को ना, इससे आपको एक हेल्प मिल सकती है। और मैं नहीं कहता ये बुक से
या पढ़ो, आपको जहां से मर्जी पढ़ो, लेकिन आपको अपने सपनों को साकार करने का आपके पास अब हक है। ट्विटर ऑफ हरियाणा का नया एडिशन भी मार्केट में आ गया है, लो ना लो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पास जो बुक है उससे पढ़ लो, जो कोर्स आपने ले रखा है उससे पढ़ लो, लेकिन प्यारे बच्चों अब पढ़कर जॉब लग जाओ। और एक सबसे जरूरी बात है प्यारे बच्चों, जो ग्राम सचिव का कनाल पटवारी और पटवारी का एग्जाम है ना, उस 11 और 12 दिसंबर को है। इसके लिए प्यारे बच्चों आपके पास टाइम है तो प्यारे बच्चों 11 और 12 दिसंबर को जो ग्राम सचिव का एग्जाम होगा, कनाल पटवारी का एग्जाम होगा, पटवारी का एग्जाम होगा, इसके लिए प्यारे बच्चों ₹249 का कोर्स दुरीना पर कर दिया गया है। ये नहीं है कि ऑफर है, आप है ना जब मर्जी इस कोर्स को ले देना, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो 11 और 12 दिसंबर तक ग्राम सचिव कनाल पटवारी, पटवारी का एक कॉमन बेच है ₹249 का, ले सकते हो। और जितने भी एग्जाम अभी है ना उनमें सभी का ये कोर्स रहेगा। और हरियाणा पुलिस का प्यारे बच्चों आपकी फरमाइश पर ना ₹349 का कोर्स किसका कर दिया गया, हरियाणा पुलिस का कर दिया गया। अगर कोई बच्चा 10,000 बुक के क्वेश्चन पढ़ना चाहता है तो वो ₹149 में सारी की सारी बुक करवाई जाएगी। ये दोबारा कहता हूं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स लो मत लो कोई मैटर नहीं करेगा। एक नंबर दे देता हूं 7497-4004 से मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट करके ना आप इन तीनों कोर्सों के बारे में जानकारी ले सकते हो। लेकिन अब आपके कमेंट भी लूंगा, सारा का सारी बातें करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों जिसने ना अगर सपना देखा है ना तो सपना साकार कोई नहीं कर सकता, दुनिया की ताकत आपको खुद का सपना खुद साकार करना होगा। अगर आपको सपना साकार करना होगा तो प्यारे बच्चों आपको पढ़ना होगा। और 30 दिन, मात्र 30 दिन बचे हरियाणा पुलिस के लिए। अब इस 30 दिन को 60 दिन कैसे बनाओगे आप पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। अब है ना आपको ना कोई लाइव कोर्स है ना तो उसमें सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स में सिलेबस आपका पूरा हो पाएगा, मेरा तो ऐसे मानना है। बाकी आपको जो अच्छा लगे जहां से पढ़ लो, लेकिन दोबारा कहता हूं प्यारे बच्चों जॉब लग जाओ, लेकिन क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली दुनिया है, तो आज से आप तैयारी कर लो बच्चों। आज से नहीं, मैं तो कहता हूं सभी चीजों को छोड़ करना, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दोगे ना तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत है नहीं रोक सकती। तो गालिब अक्सर कहा करते थे, गिरते हैं सह सवार मैदाने जंग में, वो टिफिन क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो आपको प्यारे बच्चों अगर आपको ना मतलब लड़ना होगा HSSC से तभी जीत पाओगे। अब बच्चों कॉमेंट लेता हूं, थैंक